ओरेकल 9 है की दूसरी उर्दू वीडियो क्लास है। पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ओरेकल पढ़ा, आज उसी को कंटिन्यूस रखते हुए हम उसकी कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज ओरेकल। व्हाट इज एसक्यूएल? ठीक, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल असल में स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। उसके बाद टाइप्स, डेटाबेस टाइप्स कितने हैं? टू टाइप ऑफ डेटाबेस हैं। फर्स्ट पे डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब शुरू में एसक्यूएल का आगाज हुआ तो जितना भी डेटाबेस पे काम किया जाता था वो सब डीबीएमएस के अंदर ही किया जाता था। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक टास्क पर काम कर रहे हैं तो हमें उसी के अंदर रहकर किसी चीज़ को सर्च कराना हो या किसी को इंसर्ट वगैरह या किसी का बायोडाटा देखना हो तो सिर्फ वो एक ही टास्क परफॉर्म करता था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पर RDBMS को इंट्रोड्यूस करवाया गया। RDBMS क्या है? रिलेशन नल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मल्टीपल यानी कि सर्चिंग ज्वाइनिंग वो आपस में कम्युनिकेट करा सकते थे। इससे बड़ा एडवांटेज हुआ ओरेकल वालों को। तो आजकल जितनी भी रिकॉर्ड्स वगैरह जो बन रहे हैं वो RDBMS के अंदर ही बन रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो दिया था वो 1970 में डॉक्टर EF कोड ने दिया। उसके कुछ और भी टाइप्स हैं कि द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर रिलेशन एंड अदर सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू एक्ट ऑन द रिलेशन। नंबर थर्ड पे डेटा इंटीग्रिटी फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये वो तीन रिलेशनल डेटाबेस के पार्ट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज रिलेशन डेटाबेस क्या है? अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन आर टू डायमेंशनल टेबल। फॉर एग्जाम्पल टेबल नेम कोई भी हो सकता है। हमने यहाँ पर सपोज किया है एम्प्लॉयज एंड अदर टेबल नेम इज डिपार्टमेंट। ये दो टेबल हैं, एम्प्लॉय की और एक डिपार्टमेंट्स की। तो ये तो चंद जरूरी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सारा काम प्रैक्टिकली सरंजाम होगा। तो अगर ये थ्योरी और ये आपको जो हल्की सिंपल डेफिनेशन है याद हो गई तो आगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जस्ट मैं आज आपको ओरेकल पर काम करना बताऊंगा कि हम कमेंट्स क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक बात नोट कर लें, ओरेकल हम तीन चीज़ों पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको प्रोग्राम हम लिख सकते हैं।
एक तो इंटरनेट एक्सप्लोर, ठीक। सेकेंड नंबर पर एसक्यूएल प्लस, थर्ड नंबर पर एसक्यूएल प्लस वर्कशीट। ये तीन वो चीज़ें हैं हम जो क्यूरी अपनी टाइप करेंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोर पर करेंगे। आगे आगे मैं आपको एसक्यूएल प्लस और एसक्यूएल प्लस वर्कशीट पर भी काम करना सिखाऊंगा। तो जस्ट हम आज इंटरनेट एक्सप्लोर, आप पे कोई सा भी हो, फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोर, लेकिन हम चलो फायरफॉक्स पे काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ओरेकल की जो लिंक को ओपन करेंगे, तो जब आप ओरेकल के प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर दो अकाउंट ऑलरेडी डेवलप हैं, ऑलरेडी बिल्डअप है। एक स्कॉट जिसका पासवर्ड है टाइगर, दूसरा है एचआर जिसका पासवर्ड भी एचआर है। तो हम एचआर पर काम करेंगे। सिंपली आप एचआर टाइप किया, को जूमिंग में दिखा दूं, ठीक। ये एचआर पासवर्ड भी इसका एचआर ही होगा। अच्छा, लॉगिन करेंगे। ये ओपन हो जाएगा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मैनेजर वगैरह आता है और आपको कहता है कि हमें ऑल रिकॉर्ड चेक करने हैं, तो उसके लिए एक क्यूरी है। जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो ये है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये वो क्यूरी है। उसके बाद आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए आपके आगे तमाम रिकॉर्ड्स की डिटेल आ गई जो इसके अंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज़ को कंटिन्यूस रखेंगे और अब जितने भी काम करेंगे वो स्टेटमेंट और क्यूरी पर ही करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आप एक बार फिर नोट कर लें, यानी कि इससे स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल से फ्रॉम एम्प्लॉय, उसे सारी टेबल आपके आगे शो कर देगा। ये जितनी भी टेबल आपके आगे हैं देखें सब आ गई हैं, ठीक। इस क्यूरी को आप जहनशीन कर लें। एक्चुअल में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।